दीपालपुर तहसील के गौतमपुरा में अप्रैल महीने में शराब ठेकेदार द्वारा इंदौर रोड स्थित देसी अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने को लेकर स्थानीय महिलाओं ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया था। विरोध दर्ज कराते हुए बताया था कि पूरा क्षेत्र रहवासी है, पास में गौशाला है जहां पर पूजन के लिए महिलाओं का आना जाना लगा रहता है। वहीं शराब दुकान के नज़दीक दो निजी स्कूल भी हैं जहां पर सैकड़ों छात्र छात्राएं अध्ययन करने आते हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर महिलाओं ने गौतमपुरा थाना व तहसील कार्यालय पर जाकर आवेदन देकर शराब दुकान हटाने की मांग की थी, जिस पर अधिकारियों ने 3 दिन में शराब दुकान हटाने का आश्वासन भी दिया था। 3 दिन की अवधि समाप्त होते ही महिलाएं फिर तहसील कार्यालय पर अधिकारियों से मिलने पहुंची, लेकिन अधिकारी कार्यालय पर नदारद दिखे। वहीं प्रशासन ने अपनी गलती मानते हुए वहां से शराब दुकान तो हटा दी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने गुपचुप तरीके से महिलाओं पर FIR दर्ज कर ली। इस पर आक्रोशित महिलाओं से कांग्रेस विधायक विशाल जगदीश पटेल ने मुलाकात की, गौतमपुरा नगर बंद करने का उन्होंने आह्वान किया। आया था कुछ हमारी बहन माताओं ने और बहनों ने संज्ञान में लाया था कि उन्हें थाने से फोन आ रहा है कि 2 माह पूर्व जब उन्होंने चक्का जाम किया, उस चक्का जाम को लेकर महिलाओं के खिलाफ 17 महिलाओं के खिलाफ कायमी कर दी गई और उन्हें धमकाया जा रहा था थाने के द्वारा। कहीं ना कहीं इसके अंदर यहाँ का TI और SDO की दोनों लिप्त, क्योंकि यहाँ के जो शराब व्यापारी हैं कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ है, उस कारणवश सभी महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा था। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया मैंने उन सबसे पूछा और जब मैंने खुद में SDOP से बात करी तो SDOP का कहना यह था कि हमने 2 माह पूर्व कायमी कर दी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जो भी चक्का जाम पिछले उनका अधिकार जब महिलाएं मांग रही थी, सभी माताएं बहनें मांग रही थी, तो उसमें चक्का जाम का तो प्रश्न हो। कलाली कोई कमी थी गौतमपुरा में, उसको लेकर के उस महिलाओं ने प्रयोग किया था और उसके 7-8 दिन बाद उस पर रोड जाम कर दिया था, चक्का जाम कर दिया था, जिसमें नया तहसीलदार था TI गौतमपुरा और आबकारी अधिकारियों ने आकर के उनको समझाने के प्रयास किए थे। फिर उसके बावजूद भी 2 घंटे तक जो चक्का जाम चलता रहा, उस पर से एक अज्ञात में महिलाओं का आकर गंभीर हो रहा था।